जी गजनी साहब यादाश आ गए आपकी नो बताओ व्हाट डू यू थिंक I think Yasser is a very expressive person. Mm-hmm. Like he's my very good friend. Mm-hmm. I respect him. I love him. And I love his work. और मुझे उनकी कभी कोई बात बुरी नहीं लगती. पता नहीं लोग क्यों उनकी हर बात का बतंगड़ बना देते हैं. Okay. As far as Nausheen is concerned, तो I have of course known her for. You were आप भी शादी में थे, right? मैं बिल्कुल शादी में था. And Nausheen was not feeling well that time. I remember I was at the reception. Uh-huh. When she entered, so she was not even feeling well के वो चल भी सके. तो मैं उनको help करके अंदर लेकर आया था. मुझे अच्छी तरीके से याद है. She was not well that time. तो वो बीमारी हालत में भी अनइनवाइटेड आई है या इनवाइटेड थी? मेरे पास गेस्ट लिस्ट तो मौजूद नहीं थी बट ऑफ कोर्स मुझे यासिन ने शादी से एक दिन पहले कहा था कि यार तुम्हें सिर्फ एक काम दे रहा हूँ. मैंने कहा जी. तो कहते हैं वहाँ जो गेस्ट आएंगे ना तो उनको देख लेना क्योंकि ऑफ कोर्स मैं निकाह में और बाकी चीजों में और तुम जानते हो कि किसको मैंने बुलाया किसको नहीं बुलाया. मैंने कहा अच्छा ओके. कह रहे बस मैंने किसी ब्लॉगर किसी पीआर किसी बंदे को नहीं बुलाया तो वहाँ कोई आया तो उसको अंदर आने मत देना. मैंने कहा ओके. But when she enters in, so I was like, of course, okay, she must have been invited. So I took her in. और फिर आगे जाके मुझे और लोगों को वेलकम करना था तो मैं रास्ते में किसी और को पकड़ा के उनको मैंने कहा प्लीज आप इनको आगे. नेशनल टेलीविजन पर हम बोलेंगे सारे लोग का मसला राणा राणा ने एंट्री करा दी. मजाक करी. बट यू थिंक अगर कोई आपकी खुशी का हिस्सा भी बने आपको इस तरह उनको ड्रैग करना चाहिए? I don't know, मुझे नहीं पता अगर यासिन ऐसा कहे तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहे और नौशीन अगर वहाँ आई थी तो लाइक कैसे आ गई. I have really no idea about okay, खैर ये बातें तो हम छोड़ देते हैं.